हेलो दोस्तों, तो आज हम ये बात करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बॉलीवुड में क्या क्या चेंजेस आए हैं। आज सुशांत के देहांत को 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन उनके जाने का दर्द हमारे दिलों में उतना ही है। आइए देखते हैं कि बॉलीवुड में क्या क्या बदलाव आया है सुशांत के देहांत के बाद। नेपोटिज्म, जी हाँ, नेपोटिज्म एक ऐसी प्रथा है जो बॉलीवुड में कई बरसों से चली आ रही है, लेकिन इस पर किसी ने खुलकर बात नहीं की। वही आज नेपोटिज्म के बारे में हर घर में चर्चा हो रही है। स्टार किड्स के प्रति लोगों का गुस्सा, पहले जितना लोग स्टार किड्स की वाहवाही करते थे, आज वही लोग सोशल मीडिया पर एक मौका नहीं छोड़ रहे स्टार किड्स के प्रति अपने क्रोध को दिखाने का। उसी के चलते आउटसाइडर्स जैसे कि विकी कौशल, कंगना रनावत, राजकुमार राव, इन सबको कई ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं और उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। सुनने में ये भी आया है कि कॉफ़ी विद करण का अगला सीजन कैंसिल कर दिया गया है, और करण जौहर जो कि मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज के मेंबर हुआ करते थे, उन्होंने भी क्विट कर दिया है क्योंकि बॉलीवुड से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला और नेपोटिज्म के डिबेट पर वो खुद को नहीं बचा पाए। सोनम कपूर जो कि बड़े गर्व से नेपोटिज्म को सपोर्ट कर रही थी और उन्होंने कहा था स्टार किड होना उनके अच्छे कर्मों का फल है, आज उन्होंने भी अपना ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया है। सुशांत के घर वालों ने सुशांत सिंह राजपूत फाउंडेशन स्टार्ट किया है, जहां वो यंग टैलेंट जैसे कि सिनेमा, स्पोर्ट्स और साइंस का सपोर्ट करेंगे। सुशांत के घर वालों ने उनके पटना के घर को एक मेमोरियल में बदलने का डिसीजन लिया है, जहां वो उनकी दिल की करीबी चीज़ें जैसे कि उनका टेलीस्कोप और उनकी कई सारी किताबें रखेंगे। सुशांत की मृत्यु की तहकीकात भी कुछ यहां तक पहुंची है कि उनकी आने वाली फिल्म दिल बेचारा की को स्टार संजना सांगी से भी पूछताछ जारी है। आपको क्या लगता है, सुशांत को इंसाफ मिलेगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।